ग्रेटर नोएडा में नोएडा एक्सप्रेसवे पर किसानों ने जाम लगा दिया। यमुना एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद परी चौक से नोएडा जाने वाला एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर लगाकर भारी संख्या में किसानों ने अपनी मांगों को मनाने के लिए जाम लगा दिया। महामाया फ्लाईओवर से नोएडा की तरफ भारी तादाद में ट्रैक्टर रैली के साथ आगे बढ़े किसान। नई दिल्ली में मंत्री सत्येंद्र जैन ने विधायक दिलीप पांडे के साथ वजीराबाद में नालियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस परियोजना को 10 करोड़ की लागत के साथ पूरा किया जाएगा। इसके बाद इलाके में जलभराव की समस्या से निजात मिल जाएगी। थाना सेक्टर 49 नोएडा पुलिस द्वारा मकान में चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। उसके कब्जे से चोरी की गई 4 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। थाना दादरी पुलिस द्वारा चोर गिरफ्तार हुए हैं। कब्जे से उनके चोरी किए गए सामान बरामद है। थाना सूरजपुर द्वारा फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल व अवैध हथियार सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद के थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 अवैध पिस्टल व 5 तमंचे बरामद हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े इंद्रवीर भाटी अब राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होंगे। जेवर से लड़ सकते हैं चुनाव। इस साल दिल्ली में डेंगू से पहली मौत हुई है। 2021 में अब तक 723 केस सामने आए हैं। सिर्फ अक्टूबर में 282 नए मामले आ गए। मलेरिया के 29 और चिकनगुनिया के 13 केस रिकॉर्ड हुए हैं। गाजियाबाद जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी शिक्षण संस्थान 19 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। भारी बारिश के कारण डीएम गाजियाबाद ने यह फैसला लिया। नई दिल्ली के LNJP अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आज सुबह आग लग गई। अब आग पर काबू पाया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली NCR में सुबह से ही भारी बारिश है। तापमान में आई कमी तो होने लगा ठंडी का एहसास। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन नोएडा प्रवास पर हैं। उनके MET और AKTU यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम है। जिलाधिकारी सुहास LY ने उनसे मुलाकात की। राज्यपाल ने उन्हें ओलंपिक मेडल जीतने पर बधाई दी। गाजियाबाद के विंडसर मार्केट वैभवखंड इंद्रपुरम में आग लग गई। आग से काफी नुकसान होने की संभावना है। साजापुर कोर्ट में वकील की गोली मारकर हत्या की गई है। रिकॉर्ड रूम में भूपेंद्र सिंह को गोली मारी गई है, जिसके तहत आज गौतम बुद्ध नगर में जिला एवं सत्र न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत SEP 3 सेंट्रल नोएडा द्वारा पुलिस फोर्स के साथ चेकिंग की गई तथा सुरक्षा में लगे पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज